बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज FPSC ने सिलेबस अनाउंस किया है, तो उसके बारे में जो हम सिलेबस कवर कर रहे थे, जो थोड़ी सी चेंजेस आई हैं उस पर हम बात करेंगे। एडमिन ऑफिसर का सिलेबस सेम ही है, उसमें कोई चेंज नहीं है, यानी कि उसके रूल्स ऑफ बिजनेस हैं, सेक्रेटरीट इंस्ट्रक्शन हैं, सिविल सर्विस एक्ट 1973 के कुछ हिस्से हैं, इसके अलावा अपॉइंटमेंट प्रमोशन एंड ट्रांसफ़र रूल 1973 हैं, इसके अलावा गवर्नमेंट सर्विस कंडक्ट रूल 1964 हैं, फंक्शन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट हैं, और एडमिनिस्ट्रेशन एथिक्स हैं। तो ये तो चेंज नहीं है, इसमें तो सिर्फ एक दो चीज़ें चेंज हैं, लास्ट वाली एडमिनिस्ट्रेशन एथिक्स जो पहले नहीं था। नेशनल सेविंग ऑफिसर में जो हम कर रहे थे, फंक्शंस ऑफ सेविंग नेशनल सेविंग ऑर्गेनाइजेशन सेम है, वोकेबलरी और इंग्लिश का पार्ट तो सेम है, उसमें कोई चेंज नहीं है। इसके अलावा बेसिक अकाउंटिंग है, बेसिक ऑडिटिंग है, बेसिक पब्लिक फाइनेंस है, और बेसिक अरिथमेटिक और बेसिक आईटी नॉलेज। तो इसमें आईटी नॉलेज हम नहीं कवर कर रहे थे, और एक्स्ट्रा हम पढ़ रहे थे सेंट्रल बैंकिंग। तो सेंट्रल बैंकिंग का जो है वो टॉपिक अब इसमें शामिल नहीं है इस दफ़ा में, बाकी तकरीबन सारी चीज़ें सेम है ओल्ड पैटर्न के मुताबिक। और इसके अलावा असिस्टेंट डायरेक्टर जो एंटी नारकोटिक्स है, उसका सिलेबस भी आ चुका है। तो अगर अभी तक हमने इसका कोर्स सिर्फ सिलेबस की वजह से देख रहे थे, लेकिन ये हार्वर्ड अकेडमी ऑफ़र कर सकती है, लेकिन शर्त ये है कि कम से कम हमारे पास 5-6 मिनिमम स्टूडेंट्स होंगे तो हम ये कोर्स स्टार्ट करेंगे। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो अपनी इंटरेस्ट शो कर सकते हैं, जो इसमें जिन्होंने अप्लाई किया हुआ है। अगर हमारी स्ट्रेंथ 5 से लेकर 10 स्टूडेंट तक हो जाती है तो हम ये कोर्स करवा देंगे आपको। तो इसमें इंग्लिश का पार्ट वही जो 17 स्केल का होता है, पोटेंशियल हैजर्ड्स ऑफ ड्रग फॉर जनरल पब्लिक, कंट्रोल ऑफ नारकोटिक्स सब्सटेंस एक्ट 1997 है, एंटी नारकोटिक्स फोर्स एक्ट 1997 है, इसके अलावा पब्लिक पॉलिसी प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन है, सिस्टम ऑफ फाइनेंशियल कंट्रोल एंड बजटिंग है, इसके अलावा फंक्शंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेटिव एथिक्स है। तो ये सिलेबस हैं इस दफ़ा जो हम ऑफ़र कर रहे थे। बाकी भी सिलेबस देख लेते हैं, इसमें ये लेक्चर के हैं, आप लोगों ने अगर अप्लाई किया तो वो सिलेबस अपना देख सकते हैं, लेकिन इनमें से अभी तक हम कोई लेक्चरर किसी की क्लासेस ऑफ़र नहीं कर रहे। इसके अलावा लाइब्रेरियन वगैरह वो भी हम नहीं ऑफ़र कर रहे, और पेट्रोल ऑफिसर का सिलेबस जो कि हमारा था गैस, सेम वही है जो हम तैयारी करवा रहे हैं, यानी कि बेसिक अरिथमेटिक में अलजबरा, रेशो, परसेंटेज और अरिथमेटिक मीन। ये अरिथमेटिक मीन हमारा भी रहता है, तो इंशाल्लाह इसको भी हम जल्द स्टार्ट कर देंगे। इसके अलावा करंट अफेयर जो है, इश्यूज, चैलेंजेस नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल, 2 साल के पिछले जो है उनको ही फोकस करना है। पाकिस्तान अफेयर, इस्लामिक स्टडी जो है बेसिक लेवल की नॉलेज होगा, और इसके अलावा नेशनल हाईवे सेफ्टी ऑर्डिनेंस 2000, ये एक्स्ट्रा शामिल आ गया, नेशनल हाईवेज़ सेफ्टी ऑर्डिनेंस 2000। तो ये हम नहीं कवर कर रहे थे, अब हमें ये भी एडिशनल कवर करना है, नेशनल हाईवेज़ सेफ्टी ऑर्डिनेंस 2000। तो बाकी सिलेबस वही है जो पुराना हम कर रहे थे, और इसमें वोकेबलरी नहीं होगी जो पेट्रोलिंग ऑफिसर का है। तो अकॉर्डिंगली आप अपने आप को एडजस्ट कर लें। अगर जो चीज़ हम पहले फोकस, अगर पूरी मैथमेटिक्स पे आप कर रहे थे, तो अब जो है अलजेब्रा, रेशो और परसेंटेज और अरिथमेटिक मीन्स पे आपने फोकस करना है। तो ऑल द बेस्ट, बाकी भी कोई देख लेते हैं, बाकी नहीं है हमारे कोई इस तरह पैटर्न में, सारी चीज़ें ग्रेड 18 की वो प्लस हैं।